कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने शनिवार को मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि दिल्ली में भीड़ की हिंसा से डर जैसा कोई माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लोगों को मॉब लिंचिंग से डरने की स्थिति हो। साथ ही उन्होंने छोटे शहरों और गाँवों में भीड़ की हिंसा का डर होने की बात कही। खुर्शीद ने कहा कि छोटे शहरों और गाँवों में भीड़ की हिंसा का जो डर है उसे खत्म करना यह भारतीय की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि 20 जून को झारखंड के धतरीडीह गांव में तबरेज अंसारी नाम का एक मुस्लिम युवक भीड़ की हिंसा का शिकार हुआ था। चोरी के शक में लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटा, उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल तबरेज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भीड़ की घटनाओं पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के उन इलाकों में डर का कोई माहौल है जहां हम रहते हैं या काम करते हैं, लेकिन हाँ, छोटे शहरों और गांवों में इसका डर जरूर है। यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह इस डर को खत्म करे। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग कांड पर पूरे देश ने इसकी निंदा की थी। पीएम मोदी ने तबरेज अंसारी के साथ हुई मॉब लिंचिंग घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने संसद में कहा कि झारखंड में मॉब लिंचिंग घटना से मुझे दुख हुआ है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।